पूर्ण नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 16 नवंबर 2022 को ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, 16 नवंबर 2022 की शाम 6:58 पर सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला राशि को छोड़कर अपनी मित्र राशि और जल तत्वी राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 16 दिसंबर 2022 तक यानी अगले एक महीने की समयावधि तक सूर्यदेव वृश्चिक राशि में ही संचरण करने वाले हैं। तो इसका सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। इसका कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों, इस एक महीने की समयावधि में सूर्यदेव आपके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देंगे और किन किन मोर्चे पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो सूर्य के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य को ग्रहों का राजा और एक शुभ ग्रह माना गया है। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का कारक ग्रह माना गया है। उसके साथ साथ सूर्य को शक्ति, अधिकार, सत्ता, सुख, गवर्नमेंट जॉब और पेट का भी कारक ग्रह माना गया है, यानी इन सभी चीजों पर सूर्य का ही प्रभाव रहता है। जन्म कुंडली पर सूर्य की स्थिति यदि सही हो, सूर्यदेव यदि अनुकूल हो, तो जीवन में हर प्रकार की सफलता देखने के लिए मिलती है। सूर्य बली हो तो जातक के अंदर लीडरशिप क्षमता होती है। ऐसा जातक सकारात्मक भावों और विचारों को लेकर जीवन में आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। सूर्य बली हो तो जातक को सामाजिक, राजनीतिक और सरकारी क्षेत्र में कम प्रयास में बड़ी सफलता देखने के लिए मिलती है। सूर्य को क्षत्रिय वर्ण, लाल रंग और पूर्व दिशा का प्रतीक भी माना गया है। सूर्य यदि कमजोर हो या नीच राशि में बैठे हुए हो तो जीवन में कई प्रकार की समस्याएं देखने के लिए मिलती है। सूर्य पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, नेत्रों में प्रॉब्लम, ऐसे जातक को हड्डियों में प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, गठिया बात की समस्या, जोड़ों में दर्द की समस्या दिखाई देती है। वहीं सूर्य के पीड़ित होने पर जातक के पिता तुल्य व्यक्तियों के साथ संबंध भी खराब रहते हैं। सूर्य पीड़ित हो व्यक्ति अपने मन और अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए काफी ज्यादा घबराता भी है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों, बताई गई जानकारी आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। सूर्यदेव आपके राशि के द्वितीय भाव यानी धन भाव के स्वामी होकर 16 नवंबर 2022 को आपके राशि के पंचम भाव में प्रवेश करने वाले हैं। राशि के पंचम भाव को एक त्रिकोण भाव कहा जाता है और इससे किसी भी व्यक्ति के संतान, बुद्धि, पराक्रम, शिक्षा, हायर एजुकेशन के बारे में और धन के बारे में मुख्य रूप से विचार किया जाता है। तो पंचम भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है तो कई प्रकार की संभावना आपके जीवन में बनती हुई दिखाई देने वाली है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि पूर्व के समय में सूर्यदेव आप अपनी नीच राशि में मौजूद थे तो कई प्रकार की आपको समस्याएं कर्म क्षेत्र में मिल रही थी। तो अब कर्क राशि वाले जातकों के लिए कर्म के माध्यम में कार्य व्यवसाय में बड़ी संभावना देखने के लिए मिलने वाली है। नौकरी के फील्ड में यदि आप संलग्न हैं, सरकारी क्षेत्र में संलग्न हैं, समाज से जुड़ा हुआ यदि आपका कोई कार्य है या राजनीतिक जीवन में यदि आप जुड़े हुए हैं तो आपका वाणी और व्यक्तित्व काफी ज्यादा सराहा जाएगा और आपको सफलता काफी ज्यादा प्राप्त होने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में इस दौरान धन के आयामों में वृद्धि भी देखने के लिए मिलने वाली है। चूंकि सूर्यदेव अपने पंचम भाव में मौजूद होकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके लाभ भाव को
देख रहे हैं। छात्र जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए यह समय बेहद ही लाभकारी रहेगा। यदि आप इस समय एक महीने की समयावधि में परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप बैठते हैं, पूर्ण रूपण एकाग्रता के साथ प्रदर्शन करते हैं, तो परिणाम आपके पक्ष में आने की भी संभावना बन सकती है। इस दौरान प्रेम प्रसंग में जुड़े हुए कर्क राशि वाले जातकों के लिए समय बेहतर कहा जा सकता है। जल तत्व राशि में सूर्य गोचर कर रहे हैं, तो भावनात्मक रूप से आपके अंदर समर्पण का भाव अपने प्रेमी के लिए रह सकता है। इस दौरान पारिवारिक जीवन के मामले में भी आपको सकारात्मकता देखने के लिए मिल सकती है। यदि पूर्व के समय से आप परिवार या परिवार से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ समय नहीं दे पा रहे थे, तो अब आपके लिए समय की स्थितियां बेहतर बनेगी और पारिवारिक जीवन में आप काफी ज्यादा संलग्न रहते हुए नजर आने वाले हैं। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस परिवर्तन काल की समयावधि में देखिए, मन को आपको शांत और एकाग्र बनाकर जरूर चलना चाहिए। और यदि आप कोई खर्च कर रहे हैं, किसी भौतिक सुख से जुड़ी हुई चीजों को यदि आप लेने जा रहे हैं, जैसे यदि आप भूमि भवन या वाहन खरीदने के लिए जा रहे हैं, उसमें आपको सतर्कता रखनी चाहिए। भावना के आवेश में आकर कोई जल्दबाजी में धन से जुड़ा हुआ बदलाव करने से आपको बचना चाहिए, तो स्थितियां आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगी। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो इस दौरान प्रतिदिन सुबह सूर्योदय के पहले आपको सोकर जरूर उठ जाना चाहिए। सूर्य देव को जल अर्घ देना आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। सूर्य से संबंधित शुभता को अर्जित करने के लिए पिता तुल्य व्यक्तियों के साथ अपने संबंध को बेहतर रखें। और यदि आप रविवार के दिन किसी सात्विक ब्राह्मण को गेहूं, तांबा, गुड़, लाल चंदन या खांड का दान करते हैं, तो आपके लिए संभावना और भी ज्यादा बेहतर बनेगी। उम्मीद है यह जानकारी आपको बेहतर लगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय।